नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं जैकेट लेके आई हूँ जो कि बहुत सरल और बहुत सुंदर बनती है। ये देखो, नीचे से ऐसे कट जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारी बताऊंगी। यहाँ 3 बटन लगाए हैं, यहाँ मैंने बहुत सी लगाई है। एक डिजाइनर जैकेट है, पीछे से ऐसे और आगे से। ये 150 दो, दो दो साल के बच्चे के लिए बनाई है और बहुत सरल है। बस ध्यान से आप देखना वीडियो, तो पूरे ध्यान से देखोगे तो आप बनेगी। जो 2 हिस्से मोरे बनाए मैंने, एक पीछे वाला जहाँ स्टिचिंग की है। वर्तमान की मैंने वूल लगाई है और 10 नंबर सिलाइयों में मैंने बनाया है। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। जी, मैंने 80 फंदे डाले हैं। ये पीछे वाला हिस्सा बना रही हूँ। पहले 80 फंदे डाल के एक सिलाई मैंने सीधी खींच डाली है। अब देखो क्या करना। पहले सीधी, ये पीछे वाला हिस्सा बना रही हूँ पहले मैं। अस्सी फंदे मैंने डाले हैं। ये 20 फंदे मैंने कर लिए। 20 फंदे डाल के एक फंदा मैंने उल्टा बुना। ये मैंने सीधे सीधे बुनने, ये हम सीधे उल्टे बुनेंगे। ये फंदा मैंने उल्टा बुन लिया। अब हमने क्या करना, 2 सीधे, ये मैंने उल्टा बुनने के बाद 2 सीधे 2 उल्टे। सॉरी, पहले एक सिलाई हम सीधी चढ़ाएंगे। ये बीच वाले फंदे हमारे सीधे रहेंगे। बीस फंदे इधर, 20 फंदे उधर, बीच वाले रह गए हमारे 40 फंदे। 40 फंदे हमारे सीधे। यहां भी एक फंदा हमारा उल्टा। फिर हमारे 20 फंदे सीधे। दोनों साइडों में हमने सीधे सीधे ही बुनना है। उल्टी सिलाई,
उल्टी सिलाई में 20 फंदे हमारे सीधे, जड़ा हमने उधर से उल्टा बुना से इधर भी सीधा हो गया। वो हमने यहां से नहीं बुनना, यहां से बुनना। ये देखो, ये नजर आ रहा ना, ये वाला हिस्सा, यहां से एक सीधा, अब हमने दो उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे, फिर धागा आगे, दो उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे। जो 20-40 फंदे हमारे बीच वाले हैं ना, वो हमने सीधे उल्टे बुनने हैं। दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, धागा आगे करके उल्टे, धागा पीछे करके दो सीधे। ये वाला फंदा आ गया, उधर हमने एक उल्टा बुना था ना, इधर हमारा सीधा था, ये भी हमने यहाँ से बुनना, यहाँ से नहीं बुनना, यहाँ से। देखो आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखो, यहाँ से नहीं, यहाँ से एक सीधा, बाकी सारे फंदे सीधे। सीधे उल्टी तरफ से जो फंदा सीधा जरा आएगा वहां से बुनना है, उल्टी तरफ से तो उल्टा ही बुनना है, सीधी तरफ से उल्टा बुनना, सॉरी। ये 20 फंदे हमारे सीधे, फिर 20 फंदे हमारे सीधे, ये सीधे हो गए हमारे। अब ये फंदा हमारा आ गया उल्टा, अब सीधे उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दोनों तरफ से हमारा बॉर्डर बनेगा, दो सीधे, दो उल्टे। दो सीधे, दो उल्टे, 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 दो सीधे,
दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो सीधे, ये फंदा हमारा आ गया, ये उल्टा, बाकी हमारे सीधे जाएंगे। बस सिंपल है, दोनों तरफ से जड़े 20-20 फंदे हमारे सीधे सीधे बुनने और बीच वाले हमारे सीधे उल्टे बुनने। उल्टी सिलाई, वो 20 फंदे हमारे सीधे, वो देखो ये वाला फंदा हमारा सीधा आ गया, इसको हमने यहाँ से बुनना। फिर हमारे सीधे उल्टे फंदे आ गए, ऐसा है आपने दोनों तरफ से सीधा फंदा ना उल्टी तरफ से बीच से बुनना है, बस इतना बना लो। थोड़ा सा बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ फिर। ये देखो ये मेरा पूरा बन गया बॉर्डर, ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सात ये मैंने सिलाइयाँ, 14 सिलाइयाँ हो गई। ये देखो बन गया। अब क्या करना है, ये तो सीधे फंदे जड़े हमारे सीधे बुनने ही बुनने। ये हमारा उल्टा आ गया, इसे भी हम बुन लेंगे उल्टा करके, धागा पीछे। अब हम फंदे जो दो सीधे बुने थे ना, दो का एक कर देना, उल्टे फंदे भी दो का एक। फिर धागा पीछे, सीधा था दो का एक, जो हमने दो सीधे दो उल्टे बुने थे ना, वो दोनों को एक एक कर देना फंदा। दो का एक, सारे फंदे हमने ऐसे ही जो दो उल्टे बुने थे उनको भी दो का एक और सीधे को भी दो का एक। जो सीधे और उल्टे बुने सिर्फ वो ही फंदे हमने दो का एक करना है।
आगे आगे दो उल्टे, धागा पीछे, ये हमारा फंदा उल्टा आ गया, ये हम ऐसे ही बुन लेंगे, बाकी फंदे हमारे सीधे। उल्टी सिलाई, ये फंदा आ गया सीधे वाला, इसे हम यहाँ से बुनेंगे। ये देखो बाकी हमारे सीधे, जो उल्टे हमने सीधा उल्टा एक बुना था ना, वो हम सीधे बुन जाने हैं। ये देखो ये फंदा आ गया, ये भी हम यहाँ से ही बुनेंगे, सारी सिलाई सीधी। एक एक फंदा जब उल्टा बुनना हमने सीधी तरफ से, बाकी सारा सीधा सीधा ही बुनना, सीधी तरफ से भी सीधा, उल्टी तरफ से भी सीधा। सीधी सिलाई है हमारी, ये हमारा उल्टा, एक फंदा, धागा पीछे, फिर सीधी। आप पूरे सीधे ही बुनने हैं, ये देखो ये फिर धागा उल्टा, धागा आगे करके उल्टा बुन लिया। अब हमने एक फंदा जहाँ से बढ़ाना है, एक सीधा, बाकी नहीं बुनने, जहाँ से वापस यहाँ से। अब हमने ये फंदे जो दोनों तरफ से है ना, हमने एक एक फंदा बढ़ाना, सारे फंदे नहीं बढ़ने, एक एक करके आगे आगे बढ़ाना, हर बार एक एक फंदा हमने बढ़ाते जाना। और एक फंदा हमने यहाँ से आगे ले लिया, ये फंदे सारे नहीं बुनने,
बस एक एक फंदा करके हमने आगे जाना, हर 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 सिलाई में एक एक फंदा हमने आगे आगे बढ़ाना। उल्टा, बाकी सीधे। जी उल्टा आ गया धागा पीछे, एक सीधा फंदा ये वाला पहला था, एक आपने आगे और कर लेना। ऐसे आपने एक एक फंदा करके यहाँ तक पहुँच जाना, इधर भी और उधर भी। सीधा सीधा ही बुनना, सिर्फ सीधी तरफ से एक एक फंदा उल्टा आना, बाकी दोनों तरफ से सीधा सीधा ही है। एक और आगे, यहां से वापस ऐसे आ रहा। अब मैं यहाँ यहाँ तक पूरा बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। एक एक फंदा करके आगे आपने जाना, एक एक करके यहाँ तक आ जाओ, दोनों तरफ से एक फंदा इधर बनाना, एक इधर, दोनों तरफ से कर लो, यहाँ तक पहुँच जाओ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो जी, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कर लिया। अब हम थोड़ा सा सिंपली, जैसे है सीधी सीधी सिलाइयाँ, एक एक उल्टा फंदा डाल के, ये वाला एक एक सीधा एक उल्टा, इधर से उल्टा इधर से सीधा, ये डाल के हम इतना सा बना लेंगे, और थोड़ा लंबा करने के लिए इतना सा बनाकर फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ क्या करना। अब सिंपल ही बुनना, ये यहाँ तक ऐसे हो गया, अब बिल्कुल सिंपल कुछ नहीं करना। बिल्कुल सिंपल, सीधी सीधी सिलाइयां, ये उल्टा ऐसे पूरा आप थोड़ा सा इतना सा बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेरा पूरा बन गया। मैंने जितना लंबा बनाना था उतना बना लिया। जो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 मैंने ये सिलाइयाँ डाली हैं। यहाँ तक तो हमारा वैसे ही आ गया था, इसके आगे मैंने गिना है, 24 डाल लो, 23, जितनी अपने बच्चा लंबे के हिसाब से आप बना लो। अब क्या करना है आप दे देखो। दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो सीधे, दो उल्टे,
दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे। ये देखो, ये हमारा एक उल्टा आया, और एक हमने ये वाला फंदा जो है ना, ये वाला, इसके साथ हमने दो का एक कर देना। अब वापस दो सीधे हो गए, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे और दो उल्टे। ये हम फंदे जब आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हम। फिर इधर दो सीधे आ जाएंगे, फिर दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, स्टेप्स बन रहे हैं हमारे। दो उल्टे, एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, और एक फंदा हम इधर से लेंगे, दोनों को एक कर देंगे। ये सीधा ही रखना है। दो सीधे, फिर दो उल्टे, दो फंदे हमारे वो कम हो गए, पांच फंदे हमने कटाने हैं, दो कटा लिए, तीन और कटाने हैं। दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, फिर दो उल्टे। सीधी सिलाई फिर आ गई हमारी, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, एक उल्टा, और एक हमने फिर फंदा यहां से, तीन फंदे हमारे हो गए, पांच फंदे हमने भी टोटल कटाने हैं। दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, फिर आ गया। चार फंदे हमारे कम हो गए, पांच पांच करने पूरे हमने। ये हमारे पांच फंदे पूरे हो गए। ये देखो,
अब हम जे वाले फंदे भी साथ बुन लेंगे, अब हम दूसरी तरफ से भी कराएंगे, ऐसे ही करेंगे, पूरी सीधी सिलाई डाल लें। इधर हमारे 5 पूरे हो गए, अब इधर करेंगे हम। अब हम इधर भी दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, ये हमारा वही वाला फंदा फिर आ गया। या हमने दो का एक करना है, वापस दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, फिर दो उल्टे, जैसे हमने उधर बनाए ना वैसे ही सेम है इधर बनाना। हमने 5 फंदे हमने इधर से भी काम करने हैं। दो उल्टे, दो सीधे, फिर दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, सीधा आ गया ना। इसको ऐसे उल्टा लेंगे क्योंकि हमारा सीधा सीधा रहे। वापस दो फंदे हमारे हो गए, 3 और हमने दो उल्टे, दो सीधे,
ये देखो, ये हमारे पांच फंदे हो गए। अब हमने थोड़ा सीधा बुनना है, अब कोई कटिंग नहीं करनी। इधर ऐसे सीधे, दो सीधे दो उल्टे बुनने दोनों तरफ से, और बीच वाले सीधे सीधे फंदे। अब हम दोनों तरफ से हमारी कटिंग हो गई है। दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, फिर दो सीधे। अब दोनों तरफ से हमने बॉर्डर बनाना है और बीच वाले सीधे सीधे फंदे बुनने हैं। ये देखो, दोनों तरफ से हमने बॉर्डर बनाना है और सेंटर में हमने बिल्कुल सिंपल बुनना। थोड़ा सा बना के मैं आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो इतना बन गया ये वाला। अब हमने यहाँ गले की कटिंग करनी है। इसके लिए हमने क्या करना है, दो सीधे दो उल्टे, ये मैंने 16 फंदे रखे हैं, बाकी फंदे हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक जितने हैं बीच में, इधर भी 16 रखेंगे, इधर भी 16 रखेंगे, बाकी वाले फंदे बीच में। सात, आज हमारे आठ फंदे इधर हो गए। अब हम चार पांच सिलाइयां इसकी चढ़ा लेंगे, सिंपल, दो सीधे दो उल्टे की। जैसी कटिंग हो गई है, थोड़ा सा एक एक उनका दोनों तरफ से हम बुना लेंगे। बना के फिर हम आगे वाला हिस्सा शुरू करेंगे। एक उंगल इसकी इधर बना लो, फिर धागा तोड़ के इधर लगा लेना।
एक उंगली इधर बना लेना, फिर बना के आपको आगे दिखाती हूँ, पूरा बना के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो बन के इस तरह बन गया, ये हमारा गला बन गया, देखो। अब हम इसके पीछे वाला हिस्सा तो बन गया, अब हम आगे वाला हिस्सा बनाएंगे और सेंटर में बटन लगाएंगे, दो हिस्से बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक साइड मैंने बनाई है, ये देखो ऐसे आएगी। अब दूसरी साइड मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। एक मैंने बना ली है, जी मैंने 48 फंदे डाले हैं, क्योंकि हमने पीछे 80 फंदे डाले थे ना। आप पूरी वीडियो देखना, एंड में आपको मैं बताऊंगी 2 साल के 3 साल के बच्चे के लिए कितने कितने फंदे डालने हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो देखना एंड तक। जी मैंने 48 फंदे डाल के एक सिलाई मैंने सीधी चढ़ा ली है, अब हमने पहले उल्टे फंदे बनाने हैं। ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला जो पहले हमने ये बनाया था ना, ये वाला बनाएंगे। इसके बटन पट्टी भी बनानी है हमने, जो मैंने 20 फंदे रख के बाकी इधर फंदे रखे हैं, क्योंकि इसमें बटन पट्टी भी आ जाएगी। ये 10 20 फंदे हमारे फिर ये वाले हिस्से के आ जाएंगे, 20 फंदे बाकी हमने इधर कर ले, जहाँ एक फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। अब 20 फंदे हमने सीधे बुनने, जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था।
ये हमारा फंदा उल्टा आएगा, एक फिर दो सीधे, दो उल्टे, 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 दो सीधे, धागा आगे करके दो उल्टे, पीछे करके दो सीधे, ऐसे आप पूरा बॉर्डर बना लो जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये वाला हिस्सा पूरा आपको बॉर्डर बन ऐसे, बस आपने इधर से सीधे उल्टे बुनने और ये 20 फंदे हमने सीधे बुनने, एक फंदा हमारा बीच उल्टा आएगा, इधर से उल्टा इधर से सीधा, ये वाला हिस्सा ऐसे इतना बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ मैं, बॉर्डर बना के आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखो ये मैंने पूरा बना लिया बॉर्डर, इधर हमने दो सीधे दो उल्टे बनाए, जब दूसरा इधर तरफ हम दूसरी तरफ बनाएंगे, ये वाली बना ली जो मैंने, ये पहले दो सीधे दो उल्टे आएंगे, फिर बाद में ये वाला 20 फंदे वाला आएगा, ये बॉर्डर यहाँ दूसरी तरफ से पहले ये आएगा। यहाँ मैंने बटन होल बनाया था, आपको बताना भूल गई मैं, यहाँ बटन होल बनाया था, आगे बनाऊंगी तो आपको बता दूंगी। अब क्या करना, पहले जो फंदे हमने बुन लेने, बस इतना ही फर्क है, जो पहले दूसरा तरफ हम बनाएंगे वो सीधी सीधी सिलाइयाँ पहले आएंगी, बाद में आएगी सॉरी, पहले आएगा दो सीधे दो उल्टे वाला। ये देखो ये एक उल्टा, अब दो का एक सीधा उल्टा किया, फिर दो का एक, सारे फंदे हमने सिलाइयाँ की, जब मोरे वाला हिस्सा घस जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी बनाने में। सारे फंदे हमने जो दो 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 सीधे दो उल्टे बुने थे और एक सीधा एक उल्टा हो जाएगा, दो दो फंदे हमने बंदे फंदे हम तां कटाते, थोड़ी फ्रिल सी बन जाती है, ये थोड़ी जी फ्रिल बन गई ना, ये देखो दो सीधे दो उल्टे,
अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई हमने पूरी सीधी बनानी है। ये वाला फंदा हमारा आ गया, ये हमने यहाँ से बनाना है। बाकी सीधे, अब बस एक फंदा ही हमारा उल्टा आएगा बीच में सीधी तरफ से, बाकी सारा जिधर पहले हमने बनाए थे ना पूरी सीधी सिलाई। अब सीधी सिलाई हमारी, ये भी सीधी बनाएंगे। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई भी हमारी सीधी जाएगी। ये फंदा हमारा सीधा, एक फंदा हमने आगे और बढ़ा लेना, जैसे हमने पहले वो बनाया था ना, एक एक फंदा करके हमने यहाँ तक पहुँचना है। और जहाँ से वापस ये उल्टी तरफ से एक फंदा बढ़ेगा, जे हम दूसरा तरफ बनाएंगे, जे सीधी तरफ से ये एक फंदा आ जाएगा। एक सीधा, फिर एक उल्टा, बाकी सीधे। ये सीधी सिलाई है, उल्टी सिलाई में हमने फिर फंदा एक आगे करना। आपको दूसरी साइड भी पे मैं साथ साथ बता रही हूँ, उसमें जैसे ये उल्टी तरफ से आ रहा है और सीधी तरफ से ही आएगा पहले, क्योंकि वो हमने बॉर्डर पहले ये वाला बनाना, दो सीधे उल्टे वाला उसके साथ ही आ जाएगा। ये यहाँ से फिर एक सीधा, एक और सीधा। ये सीधा भी हमने पीछे से बनाना, ऐसे पीछे से एक और आगे, एक एक करके हमने जहाँ तक पहुँचना है। ऐसे अब पूरा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जहाँ तक आ जाएगा, ये देखो ये सीधा है, जहाँ तक आ गया इतना बना, इतना बन जाएगा जहाँ तक बन गया। फिर आगे थोड़ा सा हम सिंपल बनाएंगे, जहाँ एक हमने यहाँ बटन होल बनाया, एक हम यहाँ बनाएंगे और एक हम यहाँ बनाएंगे, तीन बटन होल बनाएंगे। इतना बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ फिर। ये देखो पूरा मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आ गया। ये देखो यहाँ ऐसे आ जाएगा। अब इतना हम, इतना सा हम, एक दो तीन चार पाँच छः,
अच्छी 6 सिलाइयाँ और डाल के फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ कटिंग कैसे करनी है। ये वाली 6 सिलाइयाँ और डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ देखो, अब मेरा इन्ना मैंने बना लिया। अब हमने एक यहाँ बटन होल बनाना है। चार सीधे, धागा आगे किया, सॉरी 3 सीधे, धागा आगे, 2 का 1। जहाँ उल्टा आ गया अब हमने कटिंग करनी है। दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे। एक फंदा जी हमारा यहां से वापस सीधी सिलाई आ गई, दो फंदे उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे। फिर हमारी उल्टी सिलाई, ये फंदे हमने जो कटिंग कर रहे हैं ये हमारी उल्टी साइड होनी है, ये वाली हमारी सीधी साइड होनी है, ये ध्यान रखना। ये सीधे सीधे हमने सीधी तरफ से बनाना है, ये उल्टे तरफ से बनना। दो फंदे उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, एक सीधा आया। इसको हम ऐसे करके पीछे से ऐसे करेंगे, चेन सी आती रहे साथ साथ। दो फंदे हमारे काम हो गए, 5 हमने करने हैं। दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे,
दो उल्टे, ये फंदा हमने उतार के ऐसे कर लेना। तीन फंदे हमारे काम हो गए, पांच करने हमने, उल्टी सिलाई उल्टी, सीधी सीधी। ये देखो एक सीधा, ये हमारे पांच फंदे पूरे हो गए। अब ये फंदे भी हम साथ ही बुन लेंगे। ये हमारी कटिंग देखो हो गई। अब हमने ये वाला हिस्सा बनाना है, थोड़ा सा आगे इतना बना के फिर हम गले की कटिंग करेंगे। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल आप थोड़ा सा बना लो, फिर आपको मैं गले की कटिंग तक पहुँचाती हूँ। सिंपल अब एक उल्टा फंदा डालना है ये वाला, नहीं अब तो उल्टा नहीं डालना, अब दो उल्टे आ जाएंगे यहाँ। इधर सीधा और उल्टा बॉर्डर बन जाएगा, इधर सीधे सीधी सिलाइयां। ये दो उल्टे आ गए। अब दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे। अब थोड़ा सा बनाकर फिर आपको मैं गले की कटिंग तक आती दिखाती हूँ। हाँ देखो इतना पूरा हो गया, एक मैं बटन होल इत्थे बना लिया। अब हम गले दे फंदे पूरे बंद कर देंगे। पूरे फंदे बंद हो जाएंगे। ऊपर मैंने स्टेप 8 फंदे रखे, 16 फंदे रखे हैं, 16 फंदे रख के बाकी फंदे सारे बंद कर देंगे। हमारे 16 फंदे हो गए। आप थोड़ा थोड़ा सा स्टेप बना लेंगे, दो सीधे उल्टे का ऐसे, ये देखो इतना स्टेप बना लेंगे। इतना स्टेप बना के फिर हम यहाँ स्टिचिंग कर देंगे। एक मैंने कर दिया, दूसरी आपको दिखाऊंगी। पूरा स्टेप बना लेते हैं। आपकी मर्जी है, स्टेप चौड़ा बनाना तो 4 फंदे भी रख सकते हो आप।
मैंने 16 ही रखे, 20 रखने, 20 भी रख सकते हो, जितने आपकी इच्छा हो। थोड़ा स्टेप बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पूरा हो गया। अब हम इसके साथ इसको जोड़ देंगे। आप चाहे तो आप चाहे सुई के साथ भी जोड़ सकते हो, सिलाइयों के साथ, जैसे आपका इच्छा हो। मैंने सिलाइयों के साथ ही जोड़ दिया। दोनों फंदों में एक एक फंदा लेकर दोनों तरफ से ऐसे आपने पूरा ये देखो पूरी बन गई। अब यहां से स्टिचिंग होगी और इधर भी, जहां बटन लगाएंगे, जहां मैंने बहुत सी बनाकर जहां डिजाइन करने के लिए छोड़ी है, मैं यहां लगा देंगे। कैसे बनानी है ये देखो, ऐसे मैंने इतना करीबन लेकर थोड़ा, रिबन मेरा मोटा है इसलिए थोड़ा टाइट है। सेंटर बना के ऐसे बनाकर इसको थोड़ा सा जहां लगा लेंगे, यहां बटन लगा देंगे। आपको मैं थोड़ा सीना सिखा देती हूँ कैसे बनाना सीना।
हमेशा सीधे तरफ से सीती हूँ, आप जैसे भी सीते हो वैसे सी लेना। यहाँ तक अपने सिलाई करनी, यहाँ तक। जे हम आपका मुंडा जे छोट बड़ा लगे तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो, छोटा रखना तो। अब आपको बताती हूँ मैं, ये दो दो साल के बच्चे का बना है, आपने बड़ा बनाना हो तो आप पीछे 100 फंदे रख के आगे 55 फंदे रख लेना, आगे आगे। यह तो ये बन जाएगा आपका 2-3 साल के बच्चे का। ऐसे ऐसे आप 10-10 फंदे बढ़ाते जाओगे ना, उसके साथ साथ आपका ये पूरा डिज़ाइन बच्चे का बड़े बड़ा बनता जाएगा। जितना आपने बच्चे का बढ़ाया, ये दो दो एक से डेढ़ डेढ़ 2 साल के बच्चे का ये वाला आपने बड़ा बनाना हो, तो बस फंदे आप 10-10 फंदे आप बढ़ाते जाओगे ना, आपका बड़ा बनता जाएगा। तो बस यहाँ ये लगाकर जहाँ बटन लग जाएंगे 3। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।